आपको पता न चले और आपके मुकदमे में कोई भी आदेश हो जाए, आप घर पर बैठे रहें और कोई दूसरा पक्ष आपके नाम से कोई आदेश पारित करा दे, आप किसी तरह अदालत ना जा पाए, दूसरा जागरूक और तेज पक्षकार आपके खिलाफ कोई आदेश ले आए, क्या यह संभव है? जी हां, ऐसा अदालतों में संभव है। कुछ लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टिप्पणी अदालतों की है। फिलहाल एक मामला जावेद अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के जमानत प्रार्थना पत्र में हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा बताया गया है। इस जमानत की सुनवाई के लिए अभियुक्त और बाधी के अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर हुए। अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में तर्क देते हुए यह कहा गया कि बाधी की साइड से जो उपस्थित अधिवक्ता हैं उन्हें जमानत पर कोई आपत्ति नहीं है। मामला बलात्कार से पीड़ित था, मामला बलात्कार से संबंधित था, गंभीर मुद्दा था। अदालत द्वारा इस संबंध में उन तथा कथित बाधी के अधिवक्ता से पूछा गया, तब उन्होंने ये कहा कि मुझे जमानत अभियुक्त को दी जाती है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है। न्यायालय को थोड़ा अलग लगा, लेकिन इसी बीच एक अधिवक्ता उपस्थित हुए और उन्होंने ये कहा कि मैं असली अधिवक्ता बाधी का हूं जिन्होंने मुझे नियुक्त किया है, और जो अधिवक्ता जमानत दिलवाने में सहयोग कर रहे हैं वो बाधी द्वारा नियुक्त नहीं किए हैं। इस संबंध में अदालत ने कड़ा रुख अख्तियार किया। तब उन तथा कथित बाधी के अधिवक्ता द्वारा ये कहा गया कि जो वकालतनामा उन्हें उपलब्ध कराया गया है वो अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कराया है और उनकी फीस भी उन्हीं के द्वारा दी गई है। अदालत पूरा खेल समझ चुकी थी। अदालत ने दोनों अधिवक्ताओं के आचरण की निंदा की और ये माना कि वकालत जैसे महान पेशे में गिरावट आ चुकी है और यहां ये ठीक नहीं चल रहा है। उन तथाकथित बादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी गलती को माना गया और माफी मांग ली। अभियुक्त के अधिवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा यह तो आम बात है, यहां ऐसा होता रहता है, इस तरीके से वकालतनामा दाखिल होते हैं, आदेश भी हो जाते हैं। बड़ा दुख प्रकट किया अदालत ने और कहा कि इस पेशे में ऐसे लोग इस तरीके से कार्य कर रहे हैं जो इस महान पेशे की गरिमा को गिरा रहे हैं। इन बातों का आप तक पहुंचने का उद्देश्य यह है कि आप जागरूक रहें और इस तरीके से अदालतों में निर्णय हो जाते हैं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप भी प्रभावित हो सकते हैं। अदालत ने साथ ही साथ ये कहा वकालतनामा बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है और ये वकील को पावर देता है कि उसके संबंध में कार्रवाई करे, लेकिन इसके साथ साथ ही उस सुरक्षा के उपाय किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तब अदालत ने ये निर्देश दिए कि कोई व्यक्ति वकालतनामा दाखिल करता है तो उस व्यक्ति की
आधार कार्ड की फोटो प्रति स्व हस्ताक्षरित होगी और उस पर मोबाइल नंबर डला होगा जिससे कि तत्काल आइडेंटिफाई किया जा सके। इन निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है। आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप इस पर विचार करें। अगर अदालतों में कोई आपका मामला लंबित है तो आप एहतियात रखें और देखते रहें, कहीं ऐसा न हो कि जावेद भाई की तरह अगर वो जागरूक नहीं होते तो नुकसान हो जाता, आपको भी कोई नुकसान कर रहा हो। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और कमेंट शेयर जरूर करें और अपने विचार से, अपने कमेंट से मुझे समर्थन दें। आपके कमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनका उत्तर देने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। धन्यवाद।